शहर के बाहर सूफियों का काफिला चलते चलते ठहर गया। ये सुन के ख्वाजा बोले, खुसरो वाह क्या गावा है, क्या पुकार रहा है ये किसान? हुजूर, मैं सरकार ये कहता है डोल भरा हुआ है, राम खुश रहे। हरदेव, देखते हो हजरत ख्वाजा को इस किसान की आवाज में क्या मजा आ रहा है, देखो। और कल जमुना किनारे स्नान पर नर नारी भजन गाते जा रहे थे तो भी हजरत ख्वाजा को बड़ा लुत्फ आया था। बहुत प्रसन्न होते हुए बोले, हर कौम रास्त राहे दीने वकीफ लगा है। खुसरो ने सरसों के खेत से एक टहनी तोड़ी, अपनी पगड़ी में लगाई और थिरक थिरक कर गाने लगे, मन किबला रास्त करदम बरतर पे कज खुला है। राजा ने कहा, खुसरो उसे कुछ छोड़ो, जरा इस नगमे को सुनो, देखो किस प्यार से वो अपनी बोली में जिक्र खुदा कर रहा है। ये इबादत ही तो है। सूफियों ने समझाया कि दूसरे मजहब के अवतारों, ऋषियों, मुनियों, बुजुर्गों को हरगिज बुरा न कहना। हर जमीन पर खुदा ने पैगंबर उतारे हैं और वो सब हमारे हैं। आमने सामने की दो मुकाबिल ताकतों, अकीदों, रस्मों, कल्चरों के टकराव से और फिर उनके मेल से हमारी तहजीब, हमारी सभ्यता परवान चढ़ी है। अमीर खुसरो भी इसी फजा में परवान चढ़े थे। खूब छानबीन करके लिखते हैं, वेदांत और इस्लाम दोनों में तौहीद की रूह है। ये एक निराकार निर्गुण खुदाए मुतलक की वहदानियत एक ही जगह पहुंचती है, एक ही जगह पहुंचाती है। खिजर खां, इतनी रात गए और तन्हा? मेरे बाप की जमुन का हाल तो लिखा,
मेरी तुम्हारी इतनी दोस्ती, ख्वाजा निजाम के हम दोनों चेले, तुम मेरे दोस्त, मेरे रास्ता। अरे कुछ मेरा करते दिल भी सुनो खुसरो, तेरे कलम का हयात मेरी रूह की सुखी मोहब्बत को भी अमर कर दे। और ये क्या है रेशमी रुमाल में? ये चिट्ठियां, ये पुरसे, मेरे और देवलती के लड़कपन से अब तक के मोहब्बत नामे, इनमें इनमें सब कुछ है, सब कुछ। मैं चलता हूं, मैंने अपनी राम कहानी तुम्हें सौंपी बचपन से अब तक की। गुजरात की फतह के बाद रानी कमल देवी ने अपनी बेटी देवलदी को भी शाही महल में बुलवा लिया। बीबी मलका जहां को ये बुरा लगता है, जब देखो ये दोनों बच्चे बिल्कुल चिपके रहते हैं, दम भर को जुदा नहीं होते। अरे हाँ देखो तो, आंख में चोले खेलते हैं भाई। 9 बरस की तो होगी ये देवलदी। अंदर महल में माँ के पास से दौड़ी आई है, मुट्ठी भींच रखी है। चल ना आँख में चोली खेले। हाँ चल। तो फिर आँख बंद कर। मैं क्यों आँख बंद करूँ? बंद कर ना, मैं छुपने जाती हूँ। अच्छा ले, आँखें बंद कर ली। हाँ गिरी नहीं, संक्रांत का लड्डू है। चंद साल बाद एक शाम सुल्तान अलाउद्दीन ने जरा खफगी से बड़ी बेगम मलिका जहां को बुला भेजा। मलिका जहां, कहिए। आपको बाहर की तो सब खबरें हैं, सियासी शतरंज से फुर्सत नहीं मिलती, कुछ अंदर की भी खबर है? क्यों, क्या हुआ? खिजर खां बड़ा हो रहा है। कमल रानी आखिर कल तक गुजरात की रानी थी, मेरे बाद खिजर खां ही तख्त बैठेगा। क्यों ना वो लड़की, वो उसकी लड़की, क्या नाम, हाँ हाँ देवलदी, हाँ। वो देवल रानी बनी, दोनों की शादी मुनासिब रहेगी ना? मेरे भाई उलुग खान आपके सिपा सलार है, कल अगर खिजर खान तख्त पर बैठेगा तो उसे तलवारों की मदद भी चाहिए। मेरे भाई की एक खूबसूरत बेटी है, मैं बाप बेटी को पंजाब से बुलवाती हूँ। अगर ये रिश्ता हो जाए तो मेरा भाई कल अपने दामाद की हिफाजत और ताकत भी बनेगा। सुल्तान आप गुजरात से कर्नाटक तक तो सोचते हैं, लेकिन नाक के नीचे का नाटक मुझे करना होता है। अच्छा भाई, जैसी मलिका की मर्जी। तो ये पुर्जे भी तमाम हुए, आगे क्या लिखते हैं खजर खान? मलके जहां अम्मा जान ने अपने भाई और उसके खानदान को दिल्ली बुलवा लिया और महीनों धूमधाम से मेरी शादी की रस्में अदा हुई। मामू की बेटी से मेरी शादी कर दी गई, खूब जश्न मनाया, मगर खुशियों की आतिशबाजी में मेरे अरमान की गोली भी जला दी। देवलदी को मुझसे दूर अलग महल में रख दिया, बीच में दीवार कि दोनों आइंदा मिलने न पाए। उम्राम दरोर दूर मेरवाद सम्राम बजूत जूत रखात मेरवाद मलिका जहां। सुल्तान आप देखती हूँ क्या हो रहा, मेरा वक्त आखिर है और मेरा बड़ा बेटा मरज़ुल मौत के करीब। खुदा न करे सुल्तान।